देश और दुनिया भर में डिसरप्शन के कारण जो सप्लाई चेन में एक बाधा बनी है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, उससे हमारा कृषि का क्षेत्र भी, केमिकल फर्टिलाइजर का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदा यह प्रयास किया कि किसानों की लागत कम हो, मुनाफा ज्यादा हो, आय दुगनी हो, और पिछले दो तीन वर्षों में अगर आप देखें, दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। आज का यह निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS के अंतर्गत आने वाले P&K फर्टिलाइजर्स के घटक न्यूट्रिएंट्स के जो प्रति किलो उनके दाम रॉ मटेरियल के बढ़े, फ्रेट कॉस्ट बढ़ी और बाकी कारणों के कारण भी दाम बढ़े हैं, उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है।